Hello, I am Prashant Kumar and I am a final year computer science student at Salim Habib University. And today I'll be telling you what my journey has been at SHU. I'm from a small city near Hyderabad named Tanulaya. My uncle got a computer when I was 3 or 4. So I got very curious to see that machine. What is it is about and what my uncle will do with it. Silently, I used to follow all the methods, how to turn it on, use it, play a game, and then turn it off so that he doesn't know that someone has used it. So that's how my love with computers started. I was around 8 to 10 years old that time. I met my cousin, and those guys were from US. So they told me about that there is a company named Google, and they told me about how cool is US with technology and the culture there. You can say that एक 10 साल के बच्चे ने एक ख्वाब देखा कि उसे जो है वो कंप्यूटर्स में कुछ ना कुछ करना है, यूएस जाके करना है और गूगल में जॉब करनी है. तो इट वॉज रियली हार्ड फॉर माई पेरेंट्स टू लेट गो देयर 12 और 13 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इन अ बोर्डिंग स्कूल वेयर वी विल ओनली सी हिम वन और ट्वाइस अ ईयर एंड ही वुड लिव देयर अलोन ऑल बाय हिमसेल्फ. आई डिड एवरीथिंग एट एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन वन यूनिवर्सिटी in US. Got the print of email and I was out on road and I was sitting at a restaurant and I was thinking ki yaar ye aaj what I aimed and what I dreamed of aaj wo mere haath mein hai. Main ghar gaya, parents ko bataya, sab kuch kiya, but parents again were not happy with the decision. Their main concern was ki tum abhi bahut chote ho, abhi nahi ja sakte, because I saw their condition and they were not really ready to for it. आगे रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी सही डिसीजन भी था अगर आज मैं सोचता हूँ, क्योंकि उस मोमेंट के बाद से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई एंड रियलाइज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे करना है, मतलब मुझे करना एक्चुअली क्या था, कंप्यूटर्स के साथ यूएस जाना और गूगल में जॉब करना वॉज अ पाथवे, अ टूल टू अचीव समथिंग इन कंप्यूटर्स. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 साल जो मेरा कराची में एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव बीन थ्रू मैनी हार्डशिप्स, लर्न सो मच from people and so a lot of opportunities जो उस वक्त शायद back of the mind चल रही थी लेकिन दिख नहीं रही थी, बिकॉज एम था एक और उस पर मैं पाथवे में चल रहा था, लेकिन अब वो दिखना स्टार्ट हो गई when I was in my gap year time, when I was sitting at home and doing nothing. So I took a break, मैं बाहर गया, 2-4 महीने घूमा, 2-4 महीने सोचा क्या करना है, लाइफ कैसे प्लान करनी है. सो दैट्स हाउ व्हेन एन आइडिया केम के अब जो है अपनी गूगल बनाते हैं, अब जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे और अब अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे और अब यहाँ जो है वो जॉब क्रिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ जॉब. व्हेन आई गॉट टू SHU, सो आई वाज सरप्राइज्ड कि जिस तरीके कैंपस मैंने US के पिक्चर्स में और वीडियोस में देखे थे वो मुझे SHU में मिले. द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड, आई रिमेंबर डॉक्टर रिजवान केम, ही टॉक्ड विद अस एंड ही आस्क्ड कि हु वांट्स टू बी द CR. सो आई रेज्ड माय हैंड कि सर आई वांट टू बी द CR, कि आई हैड डिसाइडेड कि अब जो है अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर लीड पोजीशन में आना है, अगर लोगों को मैनेज करना है, सो वो जो मेरा इंट्रोवर्ट वाला किस्सा है वो नहीं चलेगा. तो आई नीड टू बी इन द लीड पोजीशंस, आई नीड टू स्टैंड अप फॉर एवरीथिंग. आई गॉट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ CSCube, कंप्यूटर साइंस सोसाइटी इन आवर यूनिवर्सिटी. इशू ये है कि पाकिस्तान में कोई स्कोप की बात करता है और स्कोप से उनका मकसद ये होता है कि हाउ मच सैलरी यू वुड गेट आफ्टर ग्रेजुएटिंग. आई बिलीव कि कंप्यूटर्स इज अ स्टडी पाथवे, इज अ फील्ड विच गिव्स इंडिविजुअल्स पावर टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, और वो मिलियंस ऑफ लाइफ्स को इम्पैक्ट करती है, उनकी लाइफ में वैल्यू लाती है. आज आप फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, 1.9 बिलियन पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप. वो किसी मेरे जैसे ही किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसको कोड किया है जिसने उन सारे लोगों के कम्युनिकेशन ईजी कर दी. आई वुड रियली लाइक टू थैंक आर टीचर्स के जिन्होंने मेक श्योर किया वी आर रेडी फॉर द इंडस्ट्री. एंड ही यूज टू से बाय हिमसेल्फ कि आई एम नॉट हेयर जस्ट टू टीच यू अ कोर्स एंड गेट यू पास्ड, आई एम हेयर टू गेट यू रेडी फॉर द इंडस्ट्री एंड I am here to get you ready for the job market. हमारे डिपार्टमेंट का CS फैकल्टी का
हमेशा ये मोटिव होता है, गोल होता है कि जो भी कोर्सेज पढ़ाए जाएं वो आज के हिसाब से आज क्या इन है, आज क्या टेक्नोलॉजी है, अप टू द ट्रेंड हो, अप टू द मार्क हो, और ये फोकस रखा जाता है कि वो कोर्सेज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही आके पढ़ाएं। वी वर द लकी वंस जिनको लैब्स कम्प्लीटली न्यू मिली। इवन माई फ्रेंड्स आर इन यूनिवर्सिटीज़, तो उनके पास भी या तो लैब का टाइम नहीं है, या तो वो अप टू द मार्क जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और गेमिंग पीसेस तो है ही नहीं किसी के पास, तो दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। आई स्टार्टेड एन अदर कंपनी, इट इज़ अ हेल्थटेक कंपनी, इट इज़ अ करंटली इनक्यूबेटेड NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, और उसका आइडिया ये था जो मैंने कोविड में भी रियलाइज़ किया, और ऐसे कोई ऐप वगैरह बनाते हैं जिस पे पेशेंट्स जो है वो घर बैठे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर पाएँ। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, वी अप्लाइड फॉर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। 422 स्टार्टअप्स हैज अप्लाइड फ्रॉम 9 कंट्रीज, एंड आई वॉज लकी इनफ एंड फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट माई स्टार्टअप गॉट सेलेक्टेड इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची, सो दैट वॉज अचीवमेंट फॉर मी। सो टॉकिंग अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, एज आई मैंशन कि फिनटेक क्लिनिक है, स्टार्टअप हेल्थ टेक कंपनी, जो कि मैंने पूरा आइडिया शेयर किया, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट पीपल एंड फ्रेंडशिप्स, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट माई पर्सनैलिटी तो मैं आई एम इंट्रोवर्ट एट हार्ट, लेकिन यहाँ आया और यहाँ जब वो मैं डिसीजन लिया कि मुझे आगे रहना है और बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट आई रियलाइज्ड कि यार लोगों से बात करके आप बहुत कुछ सीखते हो। हर इंसान अपने आप में एक किताब है, एक कहानी है, और जैसे आप बचपन में किताबों से कहानियों से सीखते हो, वैसे आई वुड से कि एवरी ह्यूमन बींग अराउंड यू इज़ अ स्टोरी इन इटसेल्फ। सो टुडे आई वुड बी सेइंग एंड आई वुड बी लाइक आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दैट मेरे जहाँ भी मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में होता था वहाँ मेरे 2-4 दोस्त मुश्किल से होते थे, अब यहाँ मेरी पूरी क्लास दोस्त है। स्पेशली अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ, ईमान है, उससे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं शेयर करता हूँ, एंड शी रियली लाइक गाइड्स मी विद एवरीथिंग। उसके अलावा अब्दुल सुबहान है, अब्दुल सुबहान से मेरा एक आपके आइडियाज़, आपकी बात, आपका मैच्योरिटी लेवल, ये सारी चीज़ें मैच हों, तो अब्दुल सुबहान के साथ ऐसे है कि मैं बात करता हूँ और मुझे 5 मिनट की बात जो है वो 10-15 सेकेंड में इशारा दे देता हूँ, वो समझ जाता है। अब्दुल बासित से शुरू से ही मेरी रही है और अभी भी बहुत अच्छी बातचीत है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी के मेमोरीज में रहेंगी वो ये कि जो चीज़ मैं परस्यू करने जा रहा हूँ, जो मेरा ड्रीम था, जो मैंने हमेशा सोचा हुआ था, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड दैट इज़ डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन, इसी जगह पे इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं क्लास के साथ, इन्हीं फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, बार बार उसकी बात की है, टीचर्स ने मुझे मेंटोर किया उस चीज़ में, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मुझे हेल्प मिली और मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया। सो टुमारो इफ आई एम समथिंग तो आई एम बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट एंड दिस टाइम, तो ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। ड्रीम्स आर समथिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। आई बिलीव दैट आई विल डेफिनेटली अचीव इट एंड वन डे आई विल कम टू दिस यूनिवर्सिटी विथ माई कंपनी एंड वील हायर पीपल फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। दिस विल बी द बेस्ट थिंग दैट आई थिंक आई कैन गिव बैक टू यूनिवर्सिटी।